हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं अपने रिक्रूटमेंट बेस्ड वीडियो लेके आई हूँ, और आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने वाली हूँ केएफसी में इंटरव्यूज के बारे में। ये सारे इंटरव्यूज मैनेजमेंट ट्रेनी पोजिशन के लिए है, तो अगर आप भी बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी विथ केएफसी वर्क करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये जॉब पोजिशन फ्रेंड्स मैनेजमेंट ट्रेनी की है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की ही जॉब पोजीशन है ये। टोटल 60 नंबर ऑफ 60 वैकेंसीज हैं ये, ठीक। और केएफसी में फ्रेंड्स जो ये जॉब पोजीशंस निकली हैं ये सारी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से ही निकली है। शायद आपको इस बात के बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि विद इन इंडिया मोस्टली जो इंटरनेशनल फूड आउटलेट्स ऑपरेट करते हैं वो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के अंडर में ही करते हैं, और केएफसी कैंटकी फ्राइड चिकन उनमें से ही एक है, ठीक। सो केएफसी फ्रेंड्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हायरिंग कर रहा है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोजीशन है ये, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद के लिए। नोएडा, गुड़गांव एंड गाजियाबाद नॉर्दर्न रीजन के ये सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाएंगे। कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ये हॉस्पिटैलिटी की जॉब पोजीशन है, ये कस्टमर सर्विस की फील्ड है ये, तो आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट की। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है आप इसके जॉब पोजिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी की एक तरीके से देखा जाए फ्रेंड्स ये जॉब पोजिशन है, तो अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट या फिर फूड क्राफ्ट में करके रखा है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये ग्रो करने की, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने मेंशन करके रखी है, वेलकमिंग टू द कस्टमर्स, टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स, अपसेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, आस्किंग फॉर द मोड ऑफ पेमेंट, टॉकिंग केयर कस्टमर क्वेरीज, टेक एडवाइस फ्रॉम गेस्ट ऑन हैबिट और टेक अवे। जिसका मतलब ये होता है कि जब भी फ्रेंड्स हम किसी भी फूड आउटलेट में विजिट करते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे देखते हैं केएफसी में कितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, सेम फ्रेंड्स आपके यहाँ पे वही जॉब पोजीशन होगी। और बैक द काउंटर आपको किस तरीके से ऑपरेट करना होगा, विद इन द काउंटर आपको कैसे कस्टमर्स के साथ यहाँ पे डील करना होगा, ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रेंड्स आपकी रहेंगी, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आप इस जॉब पोजिशन में इंटरेस्टेड हो तो आपको कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अब आप स्क्रीन पर फ्रेंड्स यहाँ पे एक ईमेल आईडी देखोगे, एक ऑफिशियल ईमेल आईडी है ये nitin.mishra@devyani-international-limited-rj-corp.com इनकी है, ये यहाँ के एचआर है, ठीक। तो अगर आपको देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर केएफसी वर्क करना है तो आपको इस ईमेल आईडी पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे सेंड करना होगा, ठीक। अब कैसे आपको फ्रेंड्स ये पूरा रिज्यूमे अपना भेजना है ये इस बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ठीक है। कोई भी जब आप फॉर्मल ईमेल आईडी फ्रेंड्स अपनी क्रिएट करते हो तो उसमें सब्जेक्ट लिखना मत भूलिएगा। सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा अप्लाइंग फॉर द जॉब पोजिशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर केएफसी लोकेशन, जो भी आप यहाँ पे चूज करें उसको आप अपने सब्जेक्ट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। देन रिस्पेक्टेड सर करके आप सीधे अपना यहाँ पे पूरा ईमेल यहाँ पे अपना फ्रेम करेंगे। ईमेल में फ्रेंड्स आपको ये लिखना होगा कि एज देर आर जॉब ओपनिंग्स ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एट केएफसी, ब्रैकेट में लिखिएगा देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड कॉमा, आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम पोजीशन फुल स्टॉप, आई एम अटैचिंग माई अपडेटेड रिज्यूमे। अगर आपके पास कवर लेटर है तो वेरी गुड, सो यू हैव टू राइट, यू हैव टू स्टेट दैट आई एम अटैचिंग माई अपडेटेड रिज्यूमे एंड कवर लेटर, अगर कवर लेटर है तो। सो विथ दिस ईमेल देन आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिखना होगा काइंडली फाइंड द अटैचमेंट बिलो, देन योर सिंसियरली, आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ईमेल आईडी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसी ईमेल से ऑब्वियसली बात है आप यहाँ पे मेल भेजोगे, बट अगर आपकी कोई डिफरेंट ईमेल आईडी है जिसपे आप चाहते हो कि वहां का एचआर आपको कॉन्टैक्ट करे तो उस ईमेल को आप ही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एंड देन आपका शहर किस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेंड्स मैंने आज के सेगमेंट में आपको जानकारी दी है। अब कैसे इसके इंटरव्यूज होंगे फ्रेंड्स, जहां तक मुझे लगता है कि जैसे ही आप इस ईमेल आईडी पे इनको आप कॉन्टैक्ट करोगे, अपना रिज्यूमे भेजोगे, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता होगा तो यहाँ का एचआर आपको ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट करेगा। सो मेक श्योर कि आपके रिज्यूमे में आप जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन करोगे इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ
रियल हो, कुछ भी उसमें देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, इन सब बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। सो ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पे जो ईमेल आईडी चल रही है, इसी पे आपको इस अपने अपडेटेड रिज्यूमे को भेजना है। जो प्रोफॉर्मा, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपना पूरा ईमेल लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने मैं इस वीडियो को यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। अगर आपके पास आज के इस जॉब पोजिशन रिलेटेड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन ऑर्डर टू वर्क विथ KFC, अगर आपके पास इस जॉब पोजिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कॉमेंट्स है, क्वेरीज है, पेज आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। जॉब्स रिलेटेड सारी जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफी ऐसे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे लिखते हैं कि मैम आप कभी बताती नहीं है कि कौन सी लोकेशन में इंटरव्यूज निकले हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देखिए, वहां पे सारी जानकारी फ्रेंड्स लिखी रहती है। और हर बार हमेशा मैं अपने ये वीडियोस में आपको बताती हूँ कि प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करिए, ठीक है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी लिखी हुई दिख जाएगी। बाय एंड टेक केयर।